एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट टू। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके जो लॉज है उसका कुछ बेसिक स्टडी किया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सम अबाउट द प्लेन मिरर, किस तरह से प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी कि अबाउट स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है उनको दोनों को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली जो इमेजेस हैं उनको देखते हैं। तो जब भी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, उसी साइज के हिसाब से आपकी इमेज फॉर्म होती है। हमें डेली इसमें पता है ना, हम जब प्लेन मिरर को देखते हैं हमारे सामने एंड हम जब खुद को उसके अंदर देख रहे हैं, तो जितना हम जैसे हम एज इट इज जो ऑब्जेक्ट होता है वैसी एज इट इज इमेज जो है हमारी उस मिरर के अंदर भी हमें दिखाई देती है। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, हम इसको हमारा जो डेली ऑब्जर्वेशन है उसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर, जो भी इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर, उसका जो साइज होता है, मतलब साइज ऑफ इमेज जो फॉर्म होती है, इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उसी साइज का हमें इमेज जो है वो दिखाई देता है इन द मिरर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो भी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस के ऊपर रखा होगा तो इमेज भी हमें ऐसा लगेगा कि उतने ही डिस्टेंस के ऊपर जाके इमेज फॉर्म होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 meters के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल। सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर ओवर हियर, ये आपका अगर प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रेस इसको टच करके जाएंगी इसके ऊपर, बराबर, या कि इंसिडेंट रे है, इसको लाइट रेस इधर से आ रही है, या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को टच करके गई और रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से दूसरी लाइट रेज आएंगी। सो लेट्स कंसीडर कि यहाँ से कोई और एक लाइट रेज आ रही है, इसको टच करके गई और इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या है आपके, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये क्या है आपके, इंसिडेंट रेज है। अभी ये हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम एक्सटेंड करें इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो इसको अगर हम ऐसे पीछे के डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड करें तो हम देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे आपके रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं ना, वहाँ पे आपकी क्या फॉर्म होंगी, इमेज, ठीक है, बराबर है। तो जहाँ हमारे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे जाके फॉर्म होती है आपकी इमेज। अभी इस केस में देखो, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को टच करके इंसिडेंट रेज आई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई। अभी ये इधर जाके तो कोई मीट कर ही नहीं सकती है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं उनको पीछे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाके कहीं तो भी यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है। जब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है ना, दैट इज फॉर्म बैक साइड ऑफ द मिरर। हम बोलते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अभी वर्चुअल है ये कैसे समझेंगे हम, वर्चुअल यानी क्या होता है, इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, तो हम ऐसा समझते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, मिरर के बैक साइड से कहीं से तो भी रेज आ रही है। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। तो ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि देखो ये जो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे क्या फॉर्म हुई है, आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर जितना रहेगा उतने ही डिस्टेंस के ऊपर क्या फॉर्म होगी, आपकी इमेज भी फॉर्म होगी। ऐसा स्फेरिकल मिरर के केस में नहीं होता है। ओके, तो अभी आपको धीरे धीरे जब हम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस वाला फंडा है, जो डिस्टेंस वाला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, ये क्यों हम इतना इसमें बोल रहे हैं कि प्लेन मिरर में सेम होता है, क्योंकि ये सेम नहीं होता है इन द केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर के जो दो टाइप्स हैं उसके अंदर ये सेम
नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, जितने डिस्टेंस के ऊपर रखा है, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हुई है उसका डिस्टेंस जो है वो कैसे होते हैं, आर इक्वल। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड इमेज का फॉर्मेशन, इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द प्लेन मिरर फॉर्म्ड, आर इक्वल फ्रॉम द प्लेन मिरर से जब उसको हम गिनेंगे डिस्टेंस को, तो वो कैसे होंगे, सेम होंगे। डिस्टेंस कैसा होगा दोनों के बीच में, सेम होगा। इमेज कैसा होता है उसका, अगर हम नेचर की बात करें, नेचर कैसा होता है, तो कैसे देखा हमने, इमेज कहाँ पे दिख रहा है हमें, बैक साइड ऑफ द मिरर है, तो हम बोलेंगे कि जो इमेज है वो कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल इमेज होगी एंड इरेक्ट का मतलब अगर वो अपवर्ड है, मतलब अपराइटेड है। देखो दो तीन ऐसे नेम्स है जो हमें अभी बार बार हम रिपीट करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वर्चुअल, एक होता है वर्चुअल, दूसरा होता है रियल, ठीक है, एक होता है इरेक्ट, दूसरा होता है इन्वर्टेड। अभी ये बार बार रिपीट होने वाले हैं, ये वर्ड्स हम बार बार रिपीट करने वाले हैं, तो इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है एक्चुअली। सो वर्चुअल का मतलब, अगर आपके प्लेन मिरर के जो भी आपका मिरर है, मतलब प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, कुछ भी, कौन सा भी मिरर हो, अगर जो मिरर है उसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर कोई इमेज फॉर्म होती है, तो हम बोलेंगे कि हमारी इमेज कैसी है, रियल है। ओके, वो इमेज कैसी है, रियल है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में कहीं तो भी मीट कर रहे हैं और वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं क्या, नहीं, हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे ऐसे खुद से वर्चुअली खुद से इसको हमने वहाँ जाके मीट करवाया है और बोला है कि वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, इसीलिए इमेज रियल नहीं है, ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है। अगर सच में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती तो हम बोलते कि इमेज कैसी है आपकी, रियल है, और जहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। अब होती है एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, अगर उस एक्सिस के नीचे अगर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है तो नीचे की डायरेक्शन में जब फॉर्म होती है तो उसको हम बोलेंगे कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज फॉर्म हुई है। इमेज कैसी फॉर्म हुई है, उल्टी इमेज फॉर्म हुई है, और इरेक्ट यानी एज इट इज। अभी हम प्लेन मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो क्या हम उल्टी दिखाई देते हैं, नहीं, राइट, जैसे हम हैं वैसे ही हमें इमेज भी दिखाई देती है। इसका मतलब कि हमारी जो इमेज फॉर्म होती है इन द प्लेन मिरर, दैट इज इरेक्ट, इट इज नॉट इन्वर्टेड। ओके, गॉट द मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस आर दी फोर वर्ड्स जिससे हम नेचर जो है, इमेज का कैसा नेचर है वो समझने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट है जो प्लेन मिरर के बारे में है। बहुत सारे डिटेल्स में जो है हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो है उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अभी ये जो दो न्यू वर्ड्स है इनका मीनिंग क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर यानी क्या है। तो एक्चुअल क्या है, एक हमने स्पीयर इमेजिन किया, यू टू इमेजिन वन बिग सर्कल। अगर एक बड़ा सा सर्कल है और हमने सबसे पहले ये कंसिडर किया, जो बड़ा सा सर्कल है उसका इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। कैसा है, जो इनर, मतलब हाँ, एक बॉल कंसिडर करो, देयर इज वन बिग बॉल और उस बॉल का जो अंदर वाला पार्ट है ना वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाला पार्ट जो है वो कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। अभी सोचो ये जो पूरा स्पीयर है, अगर इसको हमने कांच का बना है पूरा, ठीक है, इस स्पीयर को अगर हमने तोड़ दिया तो क्या होगा, उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल टुकड़े हो जाएंगे उसमें से। तो इसका जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा वो हमें कैसे दिखाई देगा, एक कर्व की तरह, राइट, कैसा होगा, एक कर्व। देखो ये स्पीयर, इट इज अ स्पीयर, एक बड़ा सा स्पीयर है, ओके, सो दिस इज अ बिग स्पीयर। अभी ये जो पूरा स्फीयर है, इसका सर्कल है, इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है। अभी इसका कैसा है, ये जो हमारा स्फीयर है
इस ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, अभी ये पूरा सर्कल है और इसका अंदर इनर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, और जो आउटर पार्ट है वो कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका जैसे निकाले उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग को इसे निकाल देते हैं। अब हमने क्या इमेजिन किया कि ये जो पूरा स्फीयर है इसमें से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और इसका जो छोटा सा टुकड़ा है ना, दैट इज नथिंग बट इस तरह से इसको फॉर्म करेंगे कि ये छोटा सा टुकड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा कॉनकेव मिरर। दिस इज नथिंग बट अवर कॉनकेव मिरर। देखो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो व्हाट इज कॉनकेव मिरर? अगर हम कॉनकेव मिरर को हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते? सो कॉनकेव द मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पीयर। बड़े स्पीयर का ये पार्ट है। ऐसे हम स्पीयर को, ऐसे हम मिरर को कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे। अभी इसका बिल्कुल अपोजिट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अभी फिर से एक स्पीयर इमेजिन करो, लेकिन इस बार क्या है, आपका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, अभी जो आउटर सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। अगर हमारा आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उस स्पीयर का, और उस स्पीयर का अगर हमने उस फिर से उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया, तो अब हमें कैसा पार्ट मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट मिलेगा हमें, और वो पार्ट कैसा रहेगा बताओ? अभी अभी कैसा है, उसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है ना, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। सो व्हाट विल हैपन, अभी भी हमें एक स्पीयर मिलेगा, लेकिन अभी क्योंकि आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, तो नाउ वी गेट द कर्व लाइक दिस। Now this part is your reflecting and this part, जो inner part है वो कैसा है, non-reflecting है, लेकिन again this is a part of sphere, तो इसका center कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं कभी इधर रहेगा इसका center, है ना, किसी बड़े से sphere का एक part है। तो ये दोनों जो mirrors हमें मिले हैं, ये कैसे मिले हैं, ये दोनों mirror किसके part है, it is a part of bigger sphere। इन केस ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव के केस में इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है इस वाले स्फीयर का, और इसका कौन सा वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, आउटर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। गॉट दिस वन? ओके, सो दिस आर दिस टू आर कॉल्ड, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, इसको हम जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसका आउटर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। गॉट दिस वन?